कार्यकर्ता सम्मेलन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार जानते थे कि पटना का गांधी मैदान का 5% भी नहीं भर सकता। और आप लोगों को स्पष्ट ये पता होना चाहिए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। ये बात तो सब लोगों को पता थी कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश कुमार को नकार दिया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बूथ कमेटी बनाए थे, यानी एक अध्यक्ष एक सचिव एक बूथ का, अगर उसको मिला भी लिया जाए 70,000 होते हैं बूथ बिहार में। 70,000 को डबल अगर कर भी दें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आंकड़ा बैठता है, प्लस अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, 16-16 एमपी हैं, मंत्री हैं, 70-71 विधायक हैं, एमएलसी हैं। तो ये संख्या जो है लगभग, जो आंकड़ा जो लगाया गया था, गांधी मैदान का 1/4 हिस्सा को घेरा गया था और वो घेरा हुआ 1/4 हिस्सा का 1/4 भी नहीं भर पाए। यानी ये गांधी मैदान में हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना था कि कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। गांधी मैदान में तो जेपी मूवमेंट जैसा, गरीब रैला जैसा, बीजेपी भगाओ देश बचाओ जो लालू जी ने रैली किया, वैसे रैलियां हुई हैं। तो यानी जेडीयू के लोग पहले से ही, उनका बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दिखाता है कि निराशजनक है, निराशा में मतलब हैं लोग। और कल की जो भीड़ थी वो तो बापू सभागार में कर लेते, कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर लेते तो नाक बची रहती। पता नहीं क्या था नीतीश जी को, क्या लग रहा था, अब पता चल गया ना उनको कि लालू जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनका कोई जनाधार नहीं था, अकेले की वो ताकत नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। और लोग सोचते थे कि डिप्टी सीएम हम लोग जो है उनके बदौलत बने, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुख्यमंत्री लालू जी के बदौलत बने। तो ये तो सुपर से भी डुपर फ्लॉप रैली इनका रहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप लोग सब लोगों ने देखा। और आश्चर्य की बात है कि 200 सीट का बोल रहे हैं जीतेंगे, अभी भी हम चाहेंगे कि घमंड अपना जो है वो छोड़ दो। कल मोतिहारी में उनसे बड़ी सभा हमारी हुई है, जितना कल गांधी मैदान में जितना भीड़ था उससे ज़्यादा तो मोतिहारी में हमारा 5 गुना ज़्यादा उनसे भीड़ था। लेकिन फिर भी भीड़ कोई मापदंड नहीं होता जीत हार का। लेकिन जो उन्होंने 15 साल जो बिहार को गरीब रखा, बेरोजगार बना दिया नौजवान भाइयों को, हमको आश्चर्य होता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, जब हम लोग डोमिसाइल कानून लेकर के आते हैं कि मांग करते हैं डोमिसाइल की, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार की कोई ज़रूरत नहीं है, जा कर के चांद पर चले जाएं रोजगार अगर चाहिए तो। हम लोगों का यही मांग था कि डोमिसाइल आता है, मान लो इंग्लिश के टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स जो हैं ज़्यादातर केरला से आते हैं, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि चाहे गणित विज्ञान या इंग्लिश के टीचर जो है बिहार में नहीं मिलते। 15 साल आपको बिहार में राज करते हो गया और आप यहाँ एक गणित टीचर नहीं बना पाए, आप यहाँ पे एक विज्ञान का टीचर नहीं बना पाए, आप यहाँ एक अंग्रेजी का टीचर नहीं बना पाए, तो आखिर कोई तो पॉलिसी नीति जो है इनकी गलत है। यानी इच्छा शक्ति जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसकी कमी है। अगर यहाँ हमको सही टीचर नहीं मिल पाते हैं तो हम पैदा क्यों नहीं करते, हम पैदा करें, अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ अच्छे टीचर जो है उनकी ट्रेनिंग हो, अच्छे अंग्रेजी पढ़ा सके, क्यों नहीं कर सकते अगर नीतियों में अगर बदलाव लाए तो। मतलब केरल ऐसा क्या कर देता है, केरल का भी अलग लैंग्वेज है, कोई अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, नहीं तो जो भी है मलयालम है, तो मलयालम है तो अंग्रेजी कैसे अच्छे टीचर वहाँ है। अब बिहार जो आर्यभट्ट की जो धरती रही है, जहाँ जीरो का निर्माण जो उन्होंने किया, अब पूरा देश जो है ये बोलता है कि बिहार का कोई जोर नहीं है गणित में,
आप वहाँ एक गणित टीचर नहीं पैदा कर पा रहे, यानी आप कह रहे क्या यहाँ बिहार में कभी भी टीचर ही नहीं पैदा होंगे अच्छे? इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति हमने नहीं देखी। यही हम कह रहे हैं बार बार, इस सरकार में ना कोई विजन है ना कोई दिशा है। अगर हम लोग इनके जगह पर रहते सरकार में, तो टीचरों को जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर शिक्षा में हो, और टीचर यही बने अच्छे, चाहे अंग्रेजी के हों गणित के हों, यही आखिर कब तक चलता रहेगा? अब दूसरे राज्य के लोग जो आएंगे यहाँ रोजगार पाते रहेंगे? यानी ये साफ तय है कि सुशील मोदी ने कहा कि कोई हमेशा ये चीज़ चलता रहेगा, यानी इस अपनी कमी को हम दूर नहीं करेंगे। क्यों नहीं पॉलिसी बनाई जाती है, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि जो है अच्छे बेहतर टीचर जो है हमारे यहाँ से निकले? तो हमको तो बड़ा हास्यास्पद लगा। तो आपसे नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं, 7 करोड़ नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं कि चांद पे चले जाओ रोजगार दिलाने, बिहार की सरकार कुछ नहीं देगी? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अब जनता ने मन बना लिया है, आपने देखा होगा इन दोनों की भी रैली हुई थी NDA की पिछले साल, जब जवान हमारे शहीद हुए थे उसी दिन को सम्मान के लिए नहीं गया था। तो हमको लगता है कि पूरी तरीके से इनकी रैली फ्लॉप रही। कल मोतिहारी में आपने घमंड छोड़ने के बाद क्या होगा? घमंड अगर छोड़ेंगे तो सर, कल मोतिहारी में आपने तुलना की नीतीश कुमार की सरकार की।